एल्विश भाई की फॉर्च्यूनर का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है, देख सकते हो। ओ नो भाई, नंबर प्लेट की तो ऐसी तैसी हो गई 0001 वाले की। ओ नो भाई, एल्विश भाई की फॉर्च्यूनर में से AK-47 भी बरामद हुई है। ओ नो, और एक साइड तो भाई पूरे खत्म हो चुके हैं फॉर्च्यूनर, देख सकते हो यहाँ पे। अरे रे रे रे, बुकाटी चिरोन से हो चुका है एल्विश भाई का एक्सीडेंट, दुनिया की सबसे महंगी कार। तो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ सब मजे होंगे। एक और GTFM की ब्रांड वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखते हो सिस्टम हैंग हो चुका है, क्योंकि भाई साहब आ जा रही है काफी बुरी खबर। इतनी देर से मैं टीवी देख रहा था कि एल्विश भाई का फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हो गया है, और वो गाड़ी जो थी गाइस कल रात को मेरे बाहर पे खड़ी थी, और आज उसका एक्सीडेंट हो गया। अब कैसे हुआ पूरी स्टोरी आपको समझाता हूँ। लमार मेरे घर पे आया कल और बोला कि अंकल जी यार मेरे को गेड़ी मारने के लिए कोई गाड़ी दो ना, कोई गाड़ी दो ना। तो मैंने कहा यार अभी तो एल्विश भाई की हमारी फॉर्च्यूनर खड़ी है, और वो थोड़े अभी बिजी चल रहे इलेक्शन वगैरह में, रिजल्ट वगैरह निकलवाने में। तो हमने कहा कि क्यों ना यार अपने भाई लमार को गाड़ी दी जाए, क्योंकि काफी ज्यादा काम करा लमार ने इन दिनों में मेरे लिए। तो मैंने कहा चल कोई नहीं यार ले जा, रात को लाके खड़ा कर दियो। तो वो हरामी भाई उसने क्या करा कि उसने रात को गाड़ी लेके नहीं आया, और एक्सीडेंट हो गया भाई उस गाड़ी को, और उसको वहीं पे छोड़ के भाई भग गया, और उसकी भी काफी ज्यादा चोट लगी। तो उससे मैंने पूछा ज्यादा तो नहीं लगी, तो कह रहा काफी ज्यादा लग गई है भाई। अब हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा कि कितना क्या सिस्टम सोदा पानी हुआ है, पर काफी ज्यादा गंदा सीन हो चुका है। क्योंकि एक तो पॉलिटिशियंस वो भाई उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी, दूसरा भाई सिस्टम ये कि भाई साहब उनका एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी उनकी है, और भाई किसी को मतलब ज्यादा चोट भी आई है उनके एक्सीडेंट जब हुआ है, तो भाई काफी गंदे हालात बने हुए हैं भाई। उनकी इमेज का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ भैंस की टेंट, इस लमार की वजह से भाई एल्विश भाई का एक्सीडेंट हो चुका, और अब हमें भाई ऐसा षड्यंत्र कुछ रचना पड़ेगा भाई न्यूज़ वालों के सामने कि भाई हमारी गलती नहीं थी उस चीज़ में, जो भी अब सिस्टम सौदा पानी करना पड़ेगा। तो गाइस पहले तो हम ये आप सब लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग है यहाँ पे मेरे, उसका मतलब कि ऑफिस का, तो वो सब करना, और भाई न्यूज़पेपर वगैरह भी आ रखा है, तो खबरें वगैरह आ रखी है एल्विश भाई की गाड़ी की। तो गाइस अभी एल्विश भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि क्लिंटन अब तेरे हाथ में, जो भी करना है तू करेगा, क्योंकि तेरी बंदे की गलती है। तो भाई मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं एल्विश भाई, मैं जाता हूँ वहाँ पे और सिचुएशन अपने कंट्रोल में करते हैं, जो भी होता है सिस्टम सौदा पानी, और बाकी नहा धो के यहाँ से रेडी होके निकलते हैं फिर। और बाकी देखो भाई क्या मस्त चमका दिया, बाथरूम चमका रहा था, इतने में भाई साहब फोन आता, और बाकी भाई डोला बड़ा हो गया, क्या बात है क्या बात है, देख रहे हो डोला डोला देख रहे हो, ओ ये क्या बात है क्या बात है, सिस्टम सौदा पानी हो गया यहाँ पे, गुड 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 करके फिर थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से नहा धो के। जितना आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाइयों फटाफट। ओ ये भाई बोडी वोडी तो बहुत खतरनाक बनानी है फ्रैंकलिन द क्लिंटन ने, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भाई, क्या लग रही है वीडियो को, एक नंबर गैंगस्टर लुक करवा रखा भाई, प्यारी लग रही है। बाकी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो 0001 नंबर, क्या बात है जी, सिस्टम है ऐसे थोड़ी ना भाई, मांड रहते क्या सिस्टम सौदा पानी, एक नंबर कर रखा भाई। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भाई साहब, गुंडे गुंडे लगते हैं इस गाड़ी में बैठने के बाद भाई, देखते हो ब्लैक जेड फिल्म चढ़ा रही है भाई पूरे सीसों पे भी, और एक नंबर सौदा पानी करते हुए यहाँ से निकल गए भाई साहब, क्या लग रही है भाई। ब्लैक कलर और रेड कलर की लाइट्स भाई, क्या मॉडिफिकेशन करा रही है, आप तो लोग भी कह रहे होंगे वाह फ्रैंकलिन कलवे मौज कर दी, एक नंबर सिस्टम बांध दिया, क्या बात है यार ऐसे करते ना। अरे घोड़ा कहाँ से आ गया, घोड़ा भाई, दो दो घोड़े एक साथ भाई, दो दो घोड़े देख सकते हो एक साथ चलते हुए, क्या बात है। दूसरा कहाँ भग गया, वो भग गया उधर की साइड, क्या बात है भाई। सिस्टम सौदा पानी एक नंबर सेट और का, फटाफट हमें निकल के वहाँ पे भाई न्यूज़ वालों को सबसे पहले तो भाई जो मंत्र करना है, क्योंकि भाई साहब छू मंत्र उन्हें इसलिए करना है क्योंकि अगर माइकल को थोड़ी सी भनक पड़ी इस चीज़ के बारे में तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा लेगा। अभी वो जिमी की शादी में बिजी है थोड़ा, तो भाई उधर की साइड से हमें ये फायदा उठाना। ओ प्लेन प्लेन भाई प्लेन, क्या वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्या बात है क्या बात है। सिस्टम सौदा पानी इधर की साइड भी पूरा खतरनाक हो रखा है, बाकी इधर की साइड देखो नई रोड बनाई है, तो क्या बन के बिड़ देखो यहाँ से, और देखो यहाँ पे फिर सही रोड थी तो यहाँ पे अभी शायद काम चलेगा, गड्ढे तो इस रोड पे भी है पर भाई मजा आ रहा है। बाकी उधर देख रहे हो वो वाला स्टेडियम, वहाँ पे जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट होने वाला काफी जल्दी, तो हम भी आपसे लोगों को दिखाएंगे। डीजे आलोक वगैरह काफी नए नए बंदे बच्चे अभी तो भाई एक नंबर लग रही है, पर स्कॉर्पियो कुछ भी कहो भाई मजा आ गया। 0001 वाली अपनी रानी, क्या बात है, नई रोडों पे देखिए कैसे सकाट रिच घोड़ियाँ, ओ ये क्या बात है क्या बात है, चलने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, एक नंबर चलती है। ओ ले बेटे मौज कर दी क्या बात है, ये सिस्टम है अपने। ओ भाई भाई कुछ भी नहीं माना, कुछ भी नहीं, चलो भाई साहब लेट्स गो भाई, सीधा पहुंचते हैं एक्सीडेंट वाली जगह पे और फिर वहाँ की रिपोर्टिंग आप सब लोगों को दिखाते हैं। और भाई साहब ये ले बेटे, ये ऐसे करके चढ़ा दी करो जब ज़्यादा सिस्टम सौदा पानी होता, तो लेट्स गो सीधे चलते हैं वहीं पे और फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। जितने आपको कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो प्यारे भाई, ये देखो भाई काफ़ी खतरनाक चल रही है, लेट्स गो।
भाई देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। आपको दिखाते हैं HR 26 की गैंग का भाई क्या सिस्टम, सोदा पानी हो रखा बुकाटी वाले से हुआ भाई, एक्सीडेंट ही हुआ था और वो बंदा तो भाई खत्म हो चुका है। बाकी यहाँ देख सकते हो भाई एलविश भाई की फॉर्चुनर का काफी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है। आगे डेंटिंग पेंटिंग आपको देखने को मिल रही होगी, पीछे भी आपको देख रहा होगा भाई बंपर थोड़ा पिचका हुआ है भाई, काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। अरे एक साइड से तो खत्म सी हो गई है भाई एलविश भाई की फॉर्चुनर, ये देखो भाई भाई एक साइड तो देख सकते हो एलविश भाई की फॉर्चुनर पूरी खत्म सी हो गई है, देख सकते हो। नो बैठो लोगो, अब क्या कर सकते हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। ये वाली जो गड्डी है ना बुकाटी की भाई, इसके साथ एक्सीडेंट हुआ। पुलिस कितनी ज़्यादा आ रखी है यहाँ पे, देख सकते हो भाई सिक्योरिटी हाई हो रखी है। और भाई जो ये वाली बुकाटी है इसके साथ भाई भिड़ी है, ये देखो कहाँ पे फंसा हुआ है इसका फेंडर और कहाँ पे कहाँ जा रहा है भाई, क्या ही बोले अब भाई, काफ़ी गंदा सीन हो चुका है। जो ये बंदा था ना ये तो टपक गया भाई एलविश भाई की फॉर्चुनर, इसको टक्कर मारा और ये तो भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई एक बंदे की डेथ भी हो चुकी है एक्सीडेंट में, देख सकते हो। ओ नो भिड़ो लोगो भाई, तो काफ़ी गंदा सीन हो गया। बाकी पुलिस से मैंने थोड़ी बातचीत करी, इधर की साइड पूरा भाई चक्का जाम हो रखा पीछे की साइड, और भाई काफ़ी कुछ देखा तो भाई इधर पुलिस ने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा, देख सकते हो भाई काफ़ी गंदा सीन हो चुका है। पर क्या करें भिड़ो को, अब कुछ तो करना पड़ेगा, पुलिस वाले से बात करते हैं और फिर यहाँ का सेटलमेंट करवाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एलविश भाई की फॉर्चुनर का एक पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, इधर की साइड काफी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है इनका। और भाई क्या ही बोले भाई एलविश भाई की फॉर्चुनर यार, अब परमिशन तो लिए थोड़ी बहुत इधर भाई चला के देख ले हमारी गाड़ी है ये वो, तो भाई कह रहे हैं पुलिस वाले चला के तो देख लो पर लेके कहीं नहीं जानी। पर भाई ये देख सकते हो भाई पूरे रजिस्टर नंबर भी है, कुछ भी नहीं कर सकते भाई अब इस मामले में, तो काफी गंदा सीन हो चुका है भाई एलविश भाई की फॉर्चुनर का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है, देख सकते हो। ओ नो भाई अब क्या ही करें क्या ही करें भाई, बिड़ दो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम सोदा पानी की कुछ करे भाई, चालू पांडे जी भी नहीं है। बाकी HR 26001 का भाई यहाँ पे देखते हो पुलिस आ गई है भाई, ये देख सकते हो एक साइड तो पूरी खत्म हो गई है एलविश भाई की फॉर्चुनर। ओ नो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना बिड़ दो भाई, थोड़ी चला के तो देख रहे हैं हम इधर की साइड, देख सकते हो भाई ये देखो भाई साहब फॉर्चुनर का गुड़गाम में बन चुका है, अरे भैंस की टैट भाई। आगे की साइड देखो भाई, पीछे की साइड देखो, इधर की साइड ये लाइट वाइट भी टूट चुकी है भाई, आगे की साइड से देखते हो गुड़गांव बन चुका है फॉर्चुनर का। ओ नो भाई 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 कुछ तो करना पड़ेगा बिड़ दो, कुछ तो सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और भाई यहाँ पे पुलिस आ चुकी है एलविश भाई की फॉर्चुनर को पकड़ने के लिए और सीज करने के लिए, पर क्या कर सकते हैं भाई, अब पुलिस वाले तो लेके जाएंगे क्योंकि इस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ये हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं और एक साइड तो भाई पूरे खत्म हो चुके हैं फॉर्चुनर, देख सकते हो यहाँ पे। अरे रे 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 भाई यहाँ पे एक बंदे की डेथ भी हो चुकी है, तो भाई काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका था, हम कुछ भी नहीं कर सकते अब इस चीज़ में। बाकी भाई एक और चीज़ बताऊँ आपको, जो फॉर्चुनर में भाई क्या क्या मिला है वो आप सुन के भाई दंग रह जाओगे, क्योंकि ये देखो भाई साहब यहाँ पे भाई ये गन भी मिली है इसमें से, तो भाई साहब FIB वाले भाई एलविश भाई की भाई फॉर्चुनर में से काफ़ी खतरनाक सोदा पानी मिला, ये भाई काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका है। तो एलविश भाई की फॉर्चुनर में से देख सकते हो भाई राइफल भी मिली है यहाँ पे, देख सकते हो। ओ नो भाई साहब रे सिस्टम सोदा पानी काफ़ी खतरनाक हो चुका है, अब इसका क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ये देखो राइफल की फ़ोटो खींच लेते हैं, फोटो तो अलाव ही है भाई, क्या क्या रखते हैं एलविश भाई यार सिस्टम सोदा पानी। बाकी भाई ये देखो भाई भाई एलविश भाई की फॉर्चुनर में से ये AK-47 राइफल भी मिली है भाई, देख सकते हो भाई एलविश भाई की फॉर्चुनर में से AK-47 भी बरामद हुई है। ओ नो भीड़ लोगों, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा सिस्टम सोदा पानी, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, एलविश भाई को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बाकी ये देखते तो फॉर्चुनर अपनी भाई मस्त लग रही है, एक नंबर भाई साहब। ये देखो भाई फॉर्चुनर का भाई HR 26EB 0001 भी टूट चुका है अपना, देख सकते हो भाई भाई नंबर प्लेट की तो ऐसी तैसी हो गई 0001 वाले की। ओ नो, और भाई ये वाली जो गाड़ी भाई जो इसके भाई 15 फॉर्चुनर आ जाएगी, इतनी महंगी भाई बुकाटी चिरोन से हो चुका है एलविश भाई का एक्सीडेंट, दुनिया की सबसे महंगी कार। ओ नो भाई अब क्या ही करें भाई, पुलिस वालों ने देखो कैसे घेरा मार रखा, और जो बुकाटी चिरोन चला रहा था वो तो भाई पधार गया ऊपर, देखो ये रहा भाई खून वून आए इसको, इधर की साइड लेके आए पुलिस वाले, और भाई सिस्टम सोदा पानी इसका सेट हो चुका है। तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा भीड़ लोगों, कुछ तो भाई सिस्टम सोदा पानी दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भाई सेटलमेंट करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा, क्योंकि भाई साहब अभी फ़ोन मिलाते हैं माइकल वगैरह को और फिर भाई सेटलमेंट करने की कुछ बातचीत करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी खतरनाक सीन तो हो चुका है इधर की साइड, तो अभी तो भाई कुछ करना पड़ेगा तभी भाई कुछ हो पाएगा, क्योंकि भाई काफ़ी गंदा सीन हो चुका है और लमार को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है ऐसा ज़्यादा बताया जा रहा है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कुछ भाई सेटलमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा सीन तो वहाँ पर हो ही चुका, तो भाई यहाँ पर भाई प्लानिंग बनाते हैं और माइकल वगैरह को सबको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ये काफ़ी अपना मतलब पर्सनली मैटर हो गया ना,
तो सिस्टम सेट करना पड़ेगा और एलविश भाई को भी बताते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जितने आपको कर रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जब तक अच्छा, फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे लोगों से। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फॉर्च्यूनर को तो हम लेके जा रहे हैं क्योंकि भाई साहब उन्होंने कह दिया कि पुलिस वालों से सेटलमेंट करवाई, तो उन्होंने कहते दिया देखो केस अब दर्ज हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप गाड़ी कहीं पे भी ले जा सकते हो। और बाकी भाई उन्होंने फोटो वोटो खींच लिया, तो गाड़ी तो हम लेके जाते हैं एलविश भाई की और काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस आ चुके हैं गाड़ी में। और भाई साहब जो बंदे हैं ना बुकाटी चिरोन वाला, उसने भी शराब पी रखी थी, तो भाई थोड़ा केस अब सोल्व हो सकता है क्योंकि काफ़ी गंभीर केस हो गया था। तो भाई आप सेटलमेंट करवाइए, थोड़ी पैसा वैसा देके पुलिस वालों से। पुलिस वालों ने कहा कि फटाफट पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ, जितनी इसकी फैमिली आती है हम संभालते हैं केस। तो भाई पॉलिटिक पावर यहाँ पे पूरी यूज़ करते हुए हम, क्योंकि भाई साहब सेटलमेंट तो करवाना ही था। और एलविश भाई का फिर फ़ोन आ गया था उधर की साइड से, तो थोड़ा प्रेशर बन ही गया था क्योंकि अपकमिंग वही है हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट, और भाई माइकल भी बन सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है, सिस्टम तो दबा नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर बीजेपी का भी हमने जोर लगवा दिया, तो सिस्टम तो दबा नहीं, तो हमने सेट करवाई दिया इधर की साइड पर। काफ़ी गंदा एक्सीडेंट हुआ है बेचारे का भाई, इधर वाला जो है ना वो बंदा मतलब सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, उसने तो सेटलमेंट उसने कर दिया उधर की साइड। ओके रोबरी वाली वैन भी जाती हुई, इसको भी हम लूट सकते हैं, पर लूटना क्या ही भाई, अभी पहले सिस्टम तो दबा नहीं हो रखा है इधर की साइड। और फिर बोल भी भाई चीज़ें करेंगे तो भाई फिर काफ़ी खतरनाक हालात हो जाएंगे। बाकी भाई इधर की साइड से हम लेके निकल रहे हैं एलविश भाई के फॉर्च्यूनर को। भाई एक चीज़ देख रहे हो भाई, भाई हिंदू के जो पीछे जय श्री राम का टैटू लगा हुआ है ना, उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात है भाई, पीछे भाई टैटू को कुछ भी नहीं हुआ अपनी फॉर्च्यूनर पे। चलो तो गाइस ठीक है, फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना फिर आज की वीडियो कैसी लगी। जब तक लेना चाहूँगा फिर अगली वीडियो भाई साहब। और ये क्या गिर रखा भाई बीच पटरी में है, बीच पटरी में उसको गिरा हुआ था यार, तो देखा मैंने उसका गिरा हुआ था। क्या सोचा सिस्टम पानी है यार, ये है क्या, मेरे को ये देखना पड़ेगा भाई। ये बम ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही है क्या यहाँ पे, कुछ तो है यार, अब मेरे को भी ये समझ नहीं आ रही बिल्कुल, वो है क्या ये चीज़ भाई। यहाँ पे देखो ये क्या है इसकी नेट भाई, रेडियो सा है क्या, ये बक्सा है भाई कुछ, और कुछ लिखा हुआ है यार भाई। ये देखो भाई साहब रे, किसी ने बम प्लांट कर रखा है यहाँ पे है भाई। यहाँ पे देख सकते हो पटरी पे किसी ने बम प्लांट करा रखा भैंस की नेट, टू 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 आवाज़ भी आ रही इसके अंदर से भाई। जो प्लेन भाई जो ट्रेन आएगी उसको उड़ जाएगी बिल्कुल, लोगों पता नहीं भाई ये कुछ टेक्नोलॉजी है क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार पुलिस को फोन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी खतरनाक समस्या हो जाएगी अगर कोई भी ट्रेन आ गई यहाँ पे। तो ठीक है, इस फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना फिर आज की वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा प्लेन उड़ी बम से, लेट्स गो। चंगा फिर अगले वीडियो, बाय बाय।